न्यू कार्यक्रम के तहत जो हमने विषय लिया है वो है गणित कक्षा 9th और चैप्टर नंबर 6 की आज दूसरी क्लास है। चलेगा आज की क्लास में हम क्या क्या सीखने वाले हैं देखते हैं। अध्याय के इस भाग में हम निम्न के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 है कोण, नंबर 2 कोणों के प्रकार, नंबर 3 है कोणों का रेखीय युग्म। चलेगा शुरू करते हैं आज की क्लास। कोण, जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो एक कोण बनता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ओ ए और OB, ये दो किरणें हैं जो एक ही बिंदु से यानी O से प्रारंभ होती है, तो हम कहेंगे कि OA और OB दो किरणें एक कोण का निर्माण करती है। और इस कोण को बनाने वाली जो भुजाएं हैं वो कौन कौन सी है? OA और OB इस कोण को बनाने वाली भुजाएं हैं। आइए इसकी नेमिंग करते हैं। इसकी नेमिंग क्या रहने वाली है? AOB। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये है प्यारे बच्चों कि जिस पर जो प्रारंभिक बिंदु होता है उसको हम बीच में रखते हैं, और इस नेमिंग से हमें क्या पता चलेगा कि इसको बनाने वाली भुजाएं OA और OB है। और इस O बिंदु को क्या कहते हैं? इस O बिंदु को नाम दिया जाता है वर्टेक्स का, शीर्ष का। और कोण को हमेशा हम इस चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं, चिन्ह लगाएंगे, साइन लगाएंगे AOB। ओके, अगर आप इसकी नेमिंग करना चाहें तो इसको हम कोण BOAB कह सकते हैं, दोनों ही एक ही बात। आइए आपने क्या सीखा एक क्वेश्चन के द्वारा जानने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दी गई आकृति में कोण एक का सही नाम होना चाहिए। कोण है एंगल BAC, ऑप्शन बी है एंगल ACB, ऑप्शन सी है एंगल ABC, डी इनमें से कोई नहीं। अपने आंसर को लॉक कर दीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका जो राइट आंसर क्या बनने वाला है? इसका राइट आंसर बनने वाला है ABC। सी इज द राइट आंसर। आइए दैनिक जीवन में कोणों के कुछ उदाहरणों को देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रही है घड़ी, और घड़ी में मिनट और घंटे की सुई के बीच में क्या बन रहा है? कोण बन रहा है। इसी प्रकार आप सेकेंड और घंटे की सुई के बीच में देख पा रहे हैं कोण बन रहा है, और मिनट और सेकेंड के सुइयों के बीच में भी कोण बन रहा है। और यहाँ पर कैंची की बात की जाए तो कैंची के दो सिरों के बीच में यहाँ पर कोण बन रहा है। इसी प्रकार जो हॉकी स्टिक होती है, छड़ी होती है, वहाँ भी एक कोण को देखा जा सकता है। इसी प्रकार आप अपने आसपास देखिएगा, उन आकृतियों को देखिएगा, उनकी सूची बनाइएगा जिसमें आपको कोण दिखाई दे। आइए अब हम कोणों के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1 है न्यून कोण। 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे कि 60 डिग्री क्या है? एक न्यून कोण है। जीरो से लेकर, जीरो और 90 के बीच में जो भी कोण होगा, वो चाहे आपका 10 डिग्री हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, 60 से लेकर 90 तक, 90 से कम, तो ये सभी के सभी क्या है? न्यून कोण रहेंगे। तो क्या आप बता सकते हैं क्या 35 डिग्री एक न्यून कोण है या नहीं? फटाफट कमेंट करें। आइए आपने क्या सीखा इसकी पड़ताल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से एक न्यून कोण नहीं है। ऑप्शन ए है 30 डिग्री, ऑप्शन बी है 40 डिग्री, ऑप्शन सी है 80 डिग्री, ऑप्शन डी है 90 डिग्री। जल्दी से अपने आंसर को लॉक कर दीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर 90 डिग्री एक न्यून कोण नहीं है, क्योंकि न्यून कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है। नंबर 2, समकोण। समकोण एक ऐसा कोण होता है जिसका माप 90 डिग्री होता है, ना 90 डिग्री से कम ना ज्यादा, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं समकोण राइट एंगल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं डी प्रोटेक्टर के द्वारा यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो वैल्यू है कोण की कितनी है, भाई 90 डिग्री है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नंबर 3, अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल। अधिक कोण एक ऐसा कोण होता है जिसका माप जो है 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो कोण लिया गया है वो 120 डिग्री है। इस 120 डिग्री में हम कह सकते हैं कि इसका जो वैल्यू है 90 डिग्री से अधिक है और 180 डिग्री से कम है। तो यहाँ पर जितने भी कोण 90 डिग्री की बात के रहेंगे, वो चाहिए आपका 100 हो, 110 हो, 115 हो, 120 हो, सभी के सभी मान जो कि 180 से कम और 90 डिग्री से अधिक हो गए, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल। आइए इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से एक अधिक कोण है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑप्शन ए है 30 डिग्री, ऑप्शन बी है 80 डिग्री, ऑप्शन सी है 120 डिग्री, ऑप्शन डी है 90 डिग्री।
अपने आंसर को फटाफट लॉक कर दीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल सही, यहां पर 120 डिग्री एक ऑब्ट्यूज एंगल है, अधिक कोण है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट टाइप है रिजुब कोण स्ट्रेट एंगल। यह एक ऐसा कोण होता है जिसका माप 180 डिग्री होता है, ना तो 180 डिग्री से कम होता है ना ज्यादा होता है, सिर्फ और सिर्फ 180 डिग्री होता है। इसका नाम हमने दिया है रिजुब कोण का। प्रतिवर्ती कोण रिफ्लेक्स एंगल, यह एक ऐसा कोण होता है जिसका माप जो होता है 180 डिग्री से अधिक परंतु 360 डिग्री से कम होता है। इसको हमने जो नाम दिया है वो प्रतिवर्ती कोण है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर 250 डिग्री जो है वो क्या है, वो 180 डिग्री से अधिक है, 360 से कम है। इस प्रकार जितने भी कोण रहने वाले हैं वो आपका 190 डिग्री हो, आपका 200 डिग्री हो या आपका 205 हो, लेकिन 360 से कम हो, तो उन सभी को हम क्या कहेंगे, उन सभी को हम कहने वाले हैं प्रतिवर्ती कोण। आइए जानते हैं एक प्रश्न के द्वारा कि आपने क्या सीखा है। निम्नलिखित में से एक प्रतिवर्ती कोण रिफ्लेक्स एंगल क्या है बताना है। नंबर ए 150 डिग्री, ऑप्शन बी 160 डिग्री, ऑप्शन सी है 170 डिग्री, ऑप्शन डी 190 डिग्री। अपने आंसर को फटाफट लॉक कर दीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, 190 डिग्री। आसन कोण, दो कोण आसन कोण होते हैं यदि उनमें उनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, उनमें एक उभयनिष्ठ भुजा हो और जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है वे उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ हो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आकृति में, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ए ए यहां पर क्या है, उभयनिष्ठ शीर्ष बन रहा है और उनमें आ रहे हैं ए सी एक उभयनिष्ठ भुजा है, इसके लिए कोण बी ए सी और कोण सी ए डी के लिए ये उभयनिष्ठ भुजा का काम कर रहे हैं और ये दो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, दोनों एक एक तरफ है। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस बुक के अंदर आप समझ सकते हैं, इस पुस्तक को कुछ इस प्रकार खोला हुआ कि ये जो पेज है, ये पेज जो है जो कोण बना रहा है और ये पेज इस पेज के साथ भी कोण बना रहा है, तो यहाँ पर ये पेज क्या है, उभयनिष्ठ है और इनका उभयनिष्ठ शीर्ष ये बन रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं इस पुस्तक ने क्या बनाया है, इस पुस्तक ने आसन कोण बनाया है और यहाँ पर ओ बी जो है आपकी क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। इसी प्रकार इस व्हील में देख सकते हैं ये कोण जो बन रहा है और ये जो कोण बन रहा है इनका शीर्ष बिंदु ये हो गया और ये आपकी एक उभयनिष्ठ भुजा है। उस पर हम कह सकते हैं ये हमारे आसन कोण बन रहे हैं। चलेगा बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यदि दो कोणों का योग एक समकोण हो, 90 डिग्री बराबर हो, तो ऐसे कोणों को क्या कहा जाता है, पूरक कोण कहा जाता है। जैसा कि आप आकृति में देख सकते हैं कि 70 और 20 का अगर योग किया जाए तो इनका योग 90 डिग्री बनेगा, तो ऐसे कोणों को हम क्या कहेंगे, पूरक कोण कहेंगे। एक अन सिमिलरली ये आप जांच करके बताएंगे क्या ये आपके पूर्ण कोण है। आइए एक क्वेश्चन के द्वारा जानने की कोशिश करते हैं कि आपने क्या सीखा है। निम्नलिखित में 45 डिग्री का पूरक कोण है, ऑप्शन ए है 54 डिग्री, ऑप्शन बी है 36 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन डी है 63 डिग्री। बताइएगा इनके जो भी आपका राइट आंसर है फटाफट लॉक कर दीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर, क्योंकि दोनों का योग 90 डिग्री बनने वाला है। चलेगा बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट है संपूर्ण कोण सप्लीमेंट्री एंगल, यदि दो कोणों का योग जो हो 180 डिग्री बराबर हो तो ऐसे कोणों को क्या कहा जाता है, ऐसे कोणों को कहा जाता है संपूरक कोण। जैसा कि आप आकृति में देख सकते हैं, इस आकृति में आप अगर योग कोणों का योग करते हैं तो आपके पास कितना होने वाला है, अगर आपने 130 डिग्री और 50 डिग्री को ऐड किया तो आपके पास 180 डिग्री 180 डिग्री आ रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 130 एंड 150 के आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 110 और 70 डिग्री का अगर योग किया जाए तो वो भी आपका 180 डिग्री रहने वाला, तो ऐसे कोणों को हम क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। इसमें एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि ये जो एंगल है ये आपके एडजस्ट भी हो सकते हैं, आसन कोण भी हो सकते हैं जब भुजा सांझी होगी, और आसन कोण नहीं भी हो सकते जैं जब इनकी भुजाएं सांझी ना हो। तो ये थे हमारे संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण कंप्लीट एंगल। 360
का जो कोण होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जब एक पूरा रिवोल्यूशन हो जाता है, पूर्ण चक्कर हो जाता है, तो वो किसका निर्माण करता है, वो आपका एक संपूर्ण कोण का निर्माण करता है। एक अन्य अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि दो कोण बनाने वाले दोनों किरणों के मध्य का झुकाव 60 डिग्री हो तो ऐसे कोण को संपूर्ण कोण कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। टाइप है शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। जब दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बनाते हैं। जैसा कि आप आकृति में देख पा रहे हैं कि ए बी और सी डी ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो एंगल 3 जो है एंगल 4 के ऑपोजिट है, एंगल 1 जो है आपका एंगल 2 के ऑपोजिट है। तो इन कोणों को क्या नाम दिया गया, इन कोणों को नाम दिया गया है शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। रैखिक कोण, यदि आसन कोणों की वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है आपस में एक सीधी रेखा बनाती है तो एक रैखिक युग्म बनता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कोण पी और क्यू जो है एक रैखिक युग्म बनाते हैं। यहाँ पर ओ ए और ओ बी जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है एक सीधी रेखा का निर्माण कर रही है, और यहाँ पर कोण पी और क्यू का योग क्या है 180 डिग्री रहने वाला है, तो इसलिए हम कोण पी और क्यू रेखिक युग्म का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कोण कैसे होने चाहिए, ये कोण आसन कोण होनी चाहिए, तभी इन्हें रेखिक युग्म कहा जाएगा, वरना इन कोणों को हम क्या कहेंगे, वरना इन कोणों को हम कहते हैं संपूरक कोण। आज की क्लास में जो हमने पढ़ा है फटाफट इसकी रिविजन कर लीजिएगा, इसको अपने कॉपी में नोट करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।